بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الصلاة والسلام والصلاة वो पावर है
कि अगर अक्सरियत एमएलए की खड़ी हो जाए और ये कह दे कि नहीं हम आप के खिलाफ अदम एतमाद ले आए, आप हटे और हम आपको वाइस चेयरमैन चीफ मिनिस्टर तस्लीम नहीं करते, तो चाहे कितना बड़ा योगी हो वो लम्हों में आसमान से जमीन पर चला आएगा, फिर वहां में न तकद्दुस देखा जाएगा, न ईमानदारी देखी जाएगी, न पावर देखा जाएगा, न ताकत देखी जाएगी, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि पावर इख्तियारी नहीं था, गैर इख्तियारी था। ऐसे मौकों पर तो यह हो सकता है कि कोई इंसान ये एक काम करे तो ये काम मजमे में एक आम सभा में ये ऐलान करते कि भाई देखो मैं मसलन एक यहां पर एक पावर डैम लगाने वाला हूं, अपनी राय पेश करो, तो यहां पर तो पॉसिबल है, लेकिन जहां पावर इख्तियारी हो, जहां सब कुछ इख्तियार में हो, वहां पर लोगों से मशवरा तलब करना समझ में नहीं आता। चंद फरिश्तों के गिरोह ने मिलकर परवरदिगार आलम को अल्लाह नहीं चुना, चंद फरिश्तों के गिरोह ने मिलकर परवरदिगार को अल्लाह नहीं चुना है, या आप हजरात उससे बेहतर जानते हैं, फरिश्तों ने भी कमीने और अलग अलग को उस वक्त बुला नाराज जब इमाम हुसैन की विलादत हुई थी, तब वहां पर गिना गया था कितने लोग कितने फरिश्ते आए, वो एक अलग चैप्टर है, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला। तो यहां पर कोई चुनाव के जरिए से मुंतखब किए हुए परवरदिगार आलम नहीं है, यहां तो वो जब से था आज तक पता नहीं कि कब से था, कब तक रहेगा किसी को पता ही नहीं कब तक रहेगा, और वो जब से था तब कुछ नहीं था, जब तक रहेगा उसके बाद भी कुछ नहीं रहेगा, बस वो अकेला था, लास्ट मोमेंट पर अकेला रहेगा। तो अजीदा ने मोहतरम फिर ये फरिश्तों के दरमियान आखिरी ऐलान क्यों कराया गया, कुदरत जानना चाहती है, कुदरत बताना चाहती है कि देखो मलाइका के दरमियान मसले खिलाफत का क्वेश्चन रेज करके मैं दुनिया वालों को फरिश्तों का एतराज मुस्तरद करके ये बताना चाहता हूं कि खिलाफत इलाहिया के बारे में जब मासूम फरिश्तों की राय मेरे सामने अहमियत नहीं रखती तो तुम गैर मासूमों की राय का लिहाज नहीं रखेंगे
तो इससे मजालिस मुतासर भी हो सकती है। और अदीदान मोहतरम, बड़े सास लम्हे होते हैं, बात 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 आई मुझे गुजारिश कर दूँ, फिर अल्लाह जाने आप रात से कहाँ मुलाकात हो, सो में ये टॉपिक होता करने के लिए। कभी कभी बड़ी हसास चीज़ें होती जिन पर हम गौर नहीं करते। देखिए, कहीं ना कहीं से मिडिल क्लास हजरात जो हैं वो अपनी मजालिस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो मजालिस जद पे आती हैं वो बाज गरीब हजरात की होती है और तारीफ उठा के देख ली होती है। इमाम हुसैन से लेके मादर जहरा, मादर सैयदुश शुहदा तक जो अदादारी पसंद की गई। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे और दीगर साहिब सरबत हजरात हैं उनकी अदादारी कबूल नहीं, कबूल है, लेकिन इन गुरबा की अदादारी को शहजादी कम अहमियत से नहीं देखती है। सर वाकयात है कि फरशदा पर अकेला मजलिस करने वाला बैठा था, कोई नहीं था, एकदम से एक इंसान आता है और खुद फदाए मुकाम पर जब पूछा जाता है तो बड़ी आवाज आती है कि मैं खुद जिसकी तुम मजलिस कर रहे हो, बड़ी आवाज आती है कि नहीं जिसकी तुम मजलिस कर रहे हो उसका बाप। इस तरह के बहुत से वाकयात है। कहने का मकसद ये कि थोड़ा सा हम इस सिस्टम को सुधारें और कोशिश ये करें कि बल्कि बानियान को हम अपने इस अमल से शायद चौंका सकते हैं। अगर 7:30 का टाइम है और 20 मिनट पहुंच जाए कि भाई देखिए आप मजलिस शुरू करिए, आपने 7:30 का टाइम दिया था, खुद बानिए मजलिस मजबूर हो जाएंगे वक्त पर शुरू करने। बहरहाल इधर गौर करना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले होता है कि इन्नी जाबिलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं रूपे जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं, जानशीन बना। आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं खलीफा का मतलब जानशीन, आमतौर पर तर्जुमा यही किया जाता है। सवाल यह होता है कि जानशीन किसके बन के आ रहा है? सब आपकी खिदमत में सब कुछ आया है, जनाब आदम को परवरदिगार आदम खलीफा बना रहा है, किसके खलीफा बन के आ रहा है? जनाब आदम किसके खलीफा बन के आ रहे हैं? उस वाहदहू ला शरीक के, उस परवरदिगार के, उस आदर मुतलक के खलीफा बनकर जमीन पर आ रहे हैं। नयाबत के लिए शर्त क्या होती है? साहिबान इल्म का मजमा, नयाबत के लिए शर्त क्या है? जैसी पोस्ट हो उसी के लिहाज से नयाबत हो। एक अगर इस शहर का हुक्मरान अगर डीएम हो और अगर वो जाने लगेगा तो कम से कम अपने इल्म के एतबार से वो अपना नायब मुंतखब करके जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर है आईएस है तो वो किसी इंटरमार्स को अपना नायब मुंतखब कर दे। कहने का मकसद यह है कि नयाबत बएतबार इल्म होती है तो परवरदिगार जो आदम को तू अपना नायब बना के जमीन पर भेज रहा है, तेरा इल्म जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, तू लासानी, तेरा इल्म लासानी, तू लाफानी, तेरा इल्म लाफानी। आदम फना हो जाने वाली हस्ती का नाम जब तक वजूद है इल्म बाकी रहता है। इधर वजूद निगाहों से ओझल, उधर इल्म निगाहों से ओझल। परवरदिगारा तेरा और आदम में कोई मुकाबला नहीं है। आवाज़े कुदरत आएगी, ये क्यों देख रहे हो आदम को जिसने इल्म अता किया उसके इल्म को क्यों नहीं देख रहे हो? एक सवाल पढ़ा तो वो इंसान
इंसान को चुनेगा, वो डार्विन वाली थ्योरी वाले इंसान को अपना नायक न चुनेगा, वो हर दो हाथ रखने वाले को अपना नायक न चुनेगा, वो हर दो आंखें रखने वाले को अपना नायक न चुनेगा। तो परवरदिगारा आदम को तू नायक बना रहा है, आदम हाथ भी रखते हैं, आदम पैर भी रखते हैं, आदम के जिस्म भी है, आदम के आंखें भी है। परवरदिगारा न तेरे आंख है, न तेरे हाथ है, न तेरे जिस्म है, क्या गौर क्यों नहीं करते? नयाबत कभी बेतबारे जात होती है, कभी बेतबारे सिफात होती है। एक सलावत पढ़ते हो हम लोग क्या कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने अपनी सिफात का मजहर किसे बनाया? आले मोहम्मद को बनाया। अब हो सकता है हमारा कोई जवान भाई ये कह दे, आप ही तो पढ़ लेते हैं कि हमने सिफात के मजहर आले मोहम्मद को बनाया, और भी आप कह रहे हैं कि परवरदिगार ने बेतबार सिफात आदम को अपना नायक बनाया। दुनिया नबियों का और आले मोहम्मद का फर्क तो पहचाने, दुनिया आले मोहम्मद और आले मोहम्मद का फर्क तो पहचाने। आले मोहम्मद उस नबी उस जात का नाम है कि हर नबी के पास एक सिफत, और आले मोहम्मद वो है कि अल्लाह की तमाम सिफात का मतलब आले मोहम्मद है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा, आदम हैबत के एतबार से, नूह ज़ोहद के एतबार से, इब्राहिम खुल्लत के एतबार से, ईसा ज़ोहद के एतबार से, यानी यह सब सिफात है अल्लाह की जो एक न एक आदम एक नबी में मौजूद है, और ये तमाम सिफात आले मोहम्मद में मौजूद। तो चाहे इस तरह से कहिए कि जब आले मोहम्मद की सिफात को अलग अलग बांटा गया तो कोई आदम नजर आया, कोई नूह नजर आया, कोई इब्राहिम नजर आया, कोई मूसा और ईसा नजर आया, इन तमाम सिफात को समेटा गया तो आले मोहम्मद नजर आए। बेहतर जानते हैं, वाकई में आपका वक्त नहीं गुजारना है, जैसे ही ऐलान होता है फौरन एतराज हो जाता है। मैंने इब्तिदा में कहा था फौरन एतराज हो जाता है। परवरदिगार उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन पर जाकर फसाद करे, खूनरेजी करे। जी जनाब, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि साहब जो अभी आदम से वजूद की मंजिलें भी नहीं थी तय की है, ये जैसे ही इनमें रूह भूखी जाएगी ये जमीन पर जाकर फसाद और कुरेदी बर्पा कर देंगे। अल्लामा मजलिसी ने इसे नकल किया है और ये किताब में मौजूद है कि चूंकि इंसानों से पहले एक कौम थी जो जमीन पर रहती थी जिसे नसनास कहा जाता था, ये फरिश्ते वो मंदिर देख चुके थे इसलिए इनको जहनों में वही सब कुछ मौजूद था। ये सोचते थे कि ये जाएंगे और जाकर फसाद और कुरेदी बर्पा करेंगे, लेकिन अजीजों परवरदिगार आलम ने इनके इतराज़ को मुस्तरद कर दिया। ये सब आपने सुना हुआ है, एक सवाल करने का दिल चाहता है, ये फरिश्तों ने इतराज किया क्यों? इन फरिश्तों ने इतराज किया क्यों? आप हजरात उससे बेहतर जानते हैं, मुसलसल आपने सुना भी है पढ़ा भी है कि किसी भी फरिश्ते को परवरदिगार आलम ने अबस खल्क नहीं किया, क्यों? तो किसी इंसान को उसने अबस नहीं खल्क किया है। उसकी गलत वायद बयान कर दी कुरान में कि हमने जिन्नातों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। अब यह अलग बात है कि यह हजरत इंसान जब बाख्तियार हुए तो इन्होंने उन रास्तों को छोड़कर जो इलाही नुमाइंदों के रास्ते थे
उन रास्तों को चुनना शुरू कर दिया जो इलाही नुमाइंदों के रास्ते नहीं थे बहरहाल। लेकिन ये फरिश्ते वो हैं कि इन्होंने इनको जिस मंजिल पर खल्क कर दिया गया ये उससे एक लम्हे के लिए भी सरदारी नहीं करते। अगर कोई कयाम के लिए खल्क किया गया है तो फिर वो रुकू में नहीं जाता। अगर किसी को मंजिले रुकू में खल्क कर दिया गया है तो वो रुकू से सजदे की तरफ नहीं जाता। अगर किसी को सजदे के लिए खल्क कर दिया गया है तो वो सजदे से उठने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ एक अलग बात है कि मौली साहब जहाँ तीन मरतबा के बाद अगर चौथी मरतबा सुभान अल्लाह कह दे तो मदीने के सब कुछ जरूर जाता है। लेकिन ये फरिश्ता सफ़े मखलूक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर सजदे के लिए खल्क किया गया तो ये सजदे से सर नहीं उठाता है। तो हर फरिश्ते का अपना एक काम है। ये कौन से फरिश्ते आखिर थे? जैसे किया गया ये वैसे ही खड़े हो गए, सलाम किनको खलीफा बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये फरिश्ते कौन थे? क्या इन्होंने कयाम तोड़ दिया? क्या इन्होंने कुऊ छोड़ दिया? क्या ये रुकू से खड़े हो गए? क्या ये सजदे इन्होंने सजदे को तोड़ दिया? अगर रुकू छोड़ा तो परवरदिगार आलम की बारगाह से निकल जाना चाहिए। इसलिए कि मिसाल फितरत की मौजूद है। एक लम्हे के लिए हुक्म परवरदिगार से रुगर्दानी की थी तो परवरदिगार आलम ने फितरत के बालों पर छीन कर जजीरे में डाल दिया था। वैसे ही फरिश्तों का हाल होना चाहिए था, लेकिन फरिश्तों को बाकायदा जवाब दे के कुदरत ये बताना चाहती थी कि देखो जहां हमने कयाम के लिए, कुऊत के लिए, रुकू के लिए, सुजूद के लिए फरिश्तों को पैदा किया था, वहां इस मसले खिलाफत पर हमने कुछ फरिश्तों को रोक दिया था कि देखो जब मैं ऐलान करूं तो तुम एतराज करना, मैं तुम्हारे एतराज पर जवाब दूंगा। मासूम फरिश्तों का एतराज रख, गैर मासूम का कहां से कबूल हो जाएगा? सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। तो ये कभी गैर इस्मत की तरफ मुंतकिल नहीं होता। याद रखिए अज़ीज़ाने मोहतरम, ये वो मखसूस नियाबत है जो सिर्फ इस्मत तक महदूद रहती है। लेकिन जब इस्मत तक आती है तो फिर ये साहिबान इस्मत जिनको चाहते हैं उन्हें अपना नायब और अपना जानशीन मुंतखब कर देते हैं। मौलाए कायनात की जिंदगी में आप देख लीजिए, बस अज़ीज़ों जिस मंजिल तक आपको लाना चाहता था मैं ले आया। मैंने इब्तिदा में कहा कि अब वक्त नहीं है कि आपकी खिदमत में कोई ज्यादा तफसीली बयान पेश किया जाए। जिस मकसद के तहत और आप यहां जमा हुए हैं, हिरावर लश्कर हुसैनी एलचीए सैयदुश्शुहदा सफीर इमाम हुसैन, ये वो अलकाब हैं जो हमारे इस शाहजादे को अता हुए। याद रखिए अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन की नजर इंतखाब का मुस्लिम पर जाके ठहर जाना ये भी इमाम की मसलहत या इमाम की सियासत में से एक सियासत थी। वरना ऐसा नहीं था कि इमाम हुसैन के पास और मौजूद नहीं थे लोग जिन्हें खुद इमाम हुसैन प्यार न करते। जनाब अब्बास जैसा बहादुर मौजूद था, जनाब मोहम्मद हनफिया जैसा बहादुर भाई मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद जनाब मुस्लिम तक नजर का जाना आखिर क्या बात है, क्या वजह है इसकी? सोचना चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम। जनाबे अब्बास की तलवार के जौहर सिफीन में देखे जा चुके हैं, उनकी हैबत अरब के दिलों पर मौजूद है। तारीखों में मिलता है कि ज़िरहा को अपनी चुटकी से पा दिया करते थे। ऐसे माहौल में
जहां इमाम के पास हजारों खतूत आए हो, उन खतूत के बदले में इन सूरमाओं को भेजने का मतलब क्या था? कलंकर का कोई तारीख लिखने वाला नाबीना मुअर्रिख जिसकी आंखों पर जरो जवाहर के पर्दे पड़े, वो ये लिख देता कि किसी मुसलह इंसान को भेजते, लेकिन इमाम हुसैन ने तो वहां बाकायदा मोहम्मद हनफिया को भेज दिया कि जिनकी ताकत और कुव्वत का आलम और ताकत और कुव्वत का सिक्का पूरे अरब के वजूद पर तारीख था, अरब के ऊपर तारीख था। या अगर जनाब अब्बास को भेज देते तब भी दुनिया ये कह सकती थी, एतराज कर सकती थी कि अब्बास की तलवार का जौहर सिर्फ एक बार सिर्फ में लोगों ने देखा था तो हैदर का गुमान होने लगा था। ऐसे इंसान को कुफे में भेजा तो वहां जंग न होती तो और क्या होता। इसलिए हुसैन ने इंतखाब ऐसे इंसान का किया जो नाम के एतबार से भी मुस्लिम हो, किरदार के एतबार से भी मुस्लिम हो, जो नाम के एतबार से भी मुस्लिम हो और किरदार के एतबार से भी मुस्लिम हो। तारीख में मिलता है कि जिस वक्त खतूत आए हैं इमाम हुसैन मक्के में थे और उसके बाद, और ये भी आप हजरात के जहन आलिया में रहे अपने नौजवानों के, कि जनाब अब्बास और जनाब मुस्लिम में कोई एज का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तारीख में जनाब मुस्लिम की विलादत का सन नहीं मिलता, 26 हिजरी जनाब अब्बास के सन को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद जो मुअर्रिखीन ने लिखा है वो यही लिखा है कि जनाब अब्बास के हमसिन थे। दो एक साल का फर्क हो सकता है। तो जिदान मोहतरम मुस्लिम को चुना गया है उन हजार खुदूदों के बदले में जो कई हजार इमाम हुसैन के पास आए थे। और अभी आप मक्के में रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, आप हजरात उससे बेहतर जानते हैं कि रमजानुल मुबारक में बगैर किसी उज्र शरई के सफर करना मकरूह है। इमाम को ना पता होगा, जैसे हुदूद आते भैया आप जाइए, आपका रमजानुल मुबारक का महीना है, नहीं भैया आप जाइए, और उसके बाद जो खत लिखा है उसमें तमाम तर्जुमे एक तरफ, मैं अपने भाई और अपने मुतमदे खास, ये जुमला है, ये मुतमदे खास नहीं है, ये नयाबत मुंतकिल हो रही है हयात मासूम में गैर मासूम की तरफ। और ये आज के इंसानों के मुंह पर तमाचा पड़ रहा है कि ये न कहना कि सिर्फ और सिर्फ जो तकलीद की जा सकती है वो गैर मासूम की जा सकती है, गैर मासूम की नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता तो हुसैन कभी मुस्लिम का इंतखाब न करते। मुस्लिम का इंतखाब करके बताया है कि देखो मैं अपनी जिंदगी में इस दरवाजे को खोल रहा हूं, कभी इस दरवाजे की तरफ इसकी तरफ इतराज न करना। और फिर माह रमजान मुबारक, तारीख में थोड़ा सा इख्तलाफ है लेकिन ज्यादातर लोगों ने लिखा है कि 15 रमजान मुबारक को मुस्लिम ने मक्के को खैरबाद कहा। और कुछ दूर आगे चले हैं, बास तारीखों में मिलता है बाद में नहीं मिलता है कि कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिली। मसलन सयाद जो है वो एक हिरनी के बच्चे को दिभा कर रहा है, और भी एक आध चीज, फिर तारीख मिलता है बंदे और कहा आका मुझे ये सफर अच्छा नहीं महसूस हो रहा। इमाम हुसैन जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, कभैया अगर तुम नहीं जाना चाहते हो कोई मसला नहीं, तो रुको हम किसी दूसरे को मुंतखब करते हैं। मुंतखब किया हुआ इंसान सिर्फ निगाह इस मक्की में नहीं बल्कि पेशे पहीने से फिर कूफे चले गए हैं। आप ये समझे कि सिर्फ पहली दिन हिट या दूसरी दिन हिट को जरा मुस्लिम कूफे में आए, नहीं इतने दिनों तक। अब मुझे सही डिस्टेंस नहीं पता है लेकिन कूफे से मक्के से और कूफे का डिस्टेंस जो है वो रवायतों में है कि इमाम हुसैन ने 18 मंजिलें बनाई थी और एक मंजिल से दूसरी मंजिल का डिस्टेंस तकरीबन 19 किलोमीटर था। अब आप उसमें मदीने से और कूफे का डिस्टेंस, आजकल तो सब कुछ मुहैया है, देख सकते हैं,
कितने दिन में जनाबत उसने तय किया होगा? चलिए मान लेते हैं 5-6 दिन मदीने में कयाम किया होगा, उसके बाद निकल गए होंगे, यानी शव्वाल के महीने में तो हर हाल में पहुंच गए होंगे कूफे। पूरा महीना शव्वाल का, पूरा महीना ज़िकात का, ये पूरे महीने तो गुजारे हैं जनाब मुस्लिम ने इत्मीनान के साथ कूफे में, और आपका बड़ा इस्तकबाल किया गया हो। जिस वक्त नमाज जमानत आप पढ़ाते थे मस्जिद कूफा में, तो मजमे से मस्जिद कूफा छलकती थी। उस वक्त का जो गवर्नर था जिसका नाम तारीख ने नौमान लिखा है, वो जनाब मुस्लिम से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता था, बल्कि दो चार जो यजीद के मुलगे लोग थे उन्होंने जब इतराज भी किया कि ये आए हैं और ये सब कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम किसी का खून नहीं बहाएंगे तब तक मैं इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, किसी तरह का कोई सवाल जवाब मेरी तरफ से मुस्लिम से नहीं होगा। तारीख बताती है कि जिन लोगों को जनाब मुस्लिम का वजूद खटक रहा था उन्होंने फौरन एक खत यजीद के नाम रवाना कर दिया कि यहां मुस्लिम कयाम किए हैं और लोगों को अपने बस में कर लिया है, अगर तुम कोई दूसरा इंतजाम यहां नहीं करते हो तो याद रखना कि तुम्हारे हाथ से इराक की हुकूमत, अरब की हुकूमत चली जाएगी। यजीद जो अब तक इब्ने ज़ियाद को बहुत बुरा कहता था, अच्छा नहीं समझता था, पूरी तारीफ है, वक्त नहीं है कि आपकी खिदमत में पेश करूं, सिर्फ थोड़ा सा पस मंजर आज की तारीख के हवाले से और फिर रब से बसाया। यजीद के पास आज ताज्जुब होता है ज़ाकिर नायक जैसे इंसानों के ऊपर, जो यजीद के ऊपर जबरदस्ती के लिए रबी अल्लाह का ठप्पा लगाने का मुसिर। तारीख के फिक्रे हैं और मैं नहीं, तारीख तबरी लिख रही है कि यजीद का एक मुशीर था जिसका उन्होंने अरबी में नाम लिखा है सरजून, और जिसका मजहब खुद साहिब तारीख तबरी ने लिखा है ईसाई था, वो सरजून नहीं था, वो सरजाम था, जो यजीद को मशवरे दिया करता था। ऐसी इस्लामी हुकूमत को दूर से सलाम जिसका मुशीर ईसाई हो, ऐसी इस्लामी हुकूमत को दूर से सलाम कि जिसका मुशीर और ईसाई हो। सरजान मशवरा देता है उनको यजीद साहब को कि क्या बिलावजह के लिए इब्ने ज़ियाद को नापसंद किए हैं, जिनको कूफे में पूरी छूट दे देंगे तो फिर हुसैन से बैत का मुतालबा अधूरा रह जाएगा। कहता फिर क्या करें? कहा इब्ने ज़ियाद को बसरे से बुलाओ और कूफा उसके सफर कर दो। तारीख पर मिलता है कि जिस वक्त यजीद का नामा इब्ने ज़ियाद को मिलता है तो बसरे की हुकूमत उस्मान इब्ने ज़ियाद को मुंतकिल कर दी जाती है, जो इब्ने ज़ियाद का छोटा भाई था, और खुद कूफे आ जाता है हाशमियों के लिबास में। अगर इब्ने ज़ियाद को खौफ न था तो आखिर हाशमी लिबास इख्तियार करने की जरूरत क्या थी? बस अभी तो बात को तमाम कर रहा हूँ कि इब्ने ज़ियाद के कूफे में आना था कि फिर उसके बाद की तारीख आपके हवाले गए। वो मुस्लिम कि जिनकी इब्तिदा में अगर नमाज होती थी तो मस्जिद कूफा छलकती थी, अब वही मुस्लिम है और आज की शब मुस्लिम पर कयामत की शब है। रवायत के फिक्रे हैं कि जिस वक्त में रात ऐशा की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आना चाहता था तो 30 या 35 अफराद थे जो मुस्लिम के साथ थे। और फिर रवायत के फिक्रे हैं, मैंने तो बहुत सी बातें छोड़ दी, हानि की बातें, और उसके बाद वो मुस्लिम को वक्त का मुहैया करना कि जिसमें मुस्लिम इब्ने ज़ियाद पर तलवार चला सकते थे, जिसमें मैं आता कि वो मार के तो लारा झूला कि मेरी अमीयत ने गवारा न किया कि दुश्मन की पुष्ट से हमला करूँ, दुश्मन की बेहोशी में उस पर हमला करूँ, ये आले मोहम्मद का शेवा नहीं है। बस अभी तो मुस्लिम मस्जिद कूफा से बाहर आए, रवायतें कहती हैं कि जैसे जैसे मुस्लिम गलियों को पार करते थे लोगों की तादाद कम होती चली जाती थी,
एक मौका वो भी आता है कि आप जब मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा तो यह कहो तन्हा गरीब दयार मजलूम कूफा मुसाफिर कूफा मुस्लिम इब्ने अकील जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा मेरा आका यह कहो तन्हा था। और अजीजों सुबह से मुस्लिम का आलम यह है कि ना कोई खाने का पूछने वाला है न कोई पानी का पूछने वाला है, हामी गिरफ्तार पहले से हो चुके हैं। बस अजीजों जैसे ही मुस्लिम गलियों से गुजर रहे थे कि एक दरवाजे पर एक औरत खड़ा रुक जाते हैं उसके जगह उस दरवाजे पर और आवाज देते हैं कि मुझे एक जाम पानी पिला दिया जाए। औरत घर के अंदर जाती है पानी का जाम अपने हाथों को उठा के लाती है और लाने के बाद मुस्लिम के हवाले कर देती है। मुस्लिम को पानी देने के बाद औरत अपने हाथों में जाम लेके कहती है कि भाई जमाना पूरा शोर है तूफे के हालात न हो जाओ जल्दी से अपने घर को चले जाओ। मुस्लिम कुछ नहीं कहते हैं खामोश खड़े हैं। दावा के घर के ऊपर मुस्लिम से फिर वही जुमले दोहराए जाते हैं। जब तीसरी बार वो जुमले दोहराए गए मेरे आका ने चेहरे को उठाया आंखों से आंसू डाली थे आवाज भी अच्छा इतना बता दे कि जिसका कोई घर न हो वो कहा जाए। बस अजीबों को कहती क्या तुम कौन हो क्या मैं मुस्लिम हूँ क्या मुस्लिम इब्ने अकील हो क्या हाँ हाँ मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। तो वो अपने घर के दरवाजों को खोल देती है आओ मेरे आका गरीब खाना हाजिर है। एक खुजरे में मुस्लिम को बिस्तर लगा दिया जाता है। तौरा खाना लाती है पानी लाती है। मुस्लिम कहते हैं मुझे खाने की हाजत नहीं है मुझे बस इस रात को इबादत इलाही में बसर करना है। मुस्लिम इबादत करने लगते हैं तौबा का मेहमान है ना बार बार तौबा जाती है हुजरे को देख के आती है कि मेरा मेहमान प्यासा तो नहीं है मेरा मेहमान क्या कर रहा है। इतने में तौबा का लड़का आ जाता है जो दुश्मन अहले बैत होता है। तारीख में मिलता है कि उसका नाम हिलाल था। आके उससे पहला सवाल करता है अम्मा ये बार बार तुम हुजरे की तरफ क्या देखती हो। तौबा नहीं बताना चाहती है कि एक मर्तबा वो जोर देता है कि क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं है आखिर बात क्या है क्या वजह है बताती क्यों नहीं हो। कहती पहले ये बताओ कि ये बात कहोगे तो नहीं किसी से। वो वादा कर लेता है लेकिन इसकी दोस्ती मोहम्मद इब्न अशस के बेटे अब्दुल रहमान से होती है। ये जैसे ही सुनता है कि सारी फौज मिलकर जिसको ढूंढ रही है वो खुद हमारे घर में छुपा है जरो जवाहर की लालच में जाकर मुस्लिम का पता बता देता है। बस अजीजो जैसे ही सुमैदिये शहर नमोदार हुई असलहों की झनकारों की आवाज आने लगी घोड़े की टापों की आवाज आने लगी 250 का रिसाला इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद इब्ने अशद की सरकर्दगी में भेजा था। जैसे ही 250 का रिसाला तौबा के घर के करीब आया मुस्लिम ने तलवार उठाई और अपने सपने कमर में हिमायर की। तौबा आगे बढ़ी आका कहां को चले क्या तुमने देखा नहीं दुश्मन की फौजें आ गई है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की बेहुर्मती हो जाए। मैं कहूंगा मुस्लिम रुक जाओ ये 60 डिग्री का कूफा है एक महीने के बाद इसी कूफे में तुम्हारी बहने तुम्हारी बेटियां मुस्लिम क्या करोगे उस वक्त अजब नहीं के मुस्लिम आवाज दे अजीजों बस मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ मुस्लिम आए जंग जारी हो गई। अल्लाह अकबर ये तारीख है जंग लिखने वाले तमाम मुअर्रखीन के लिए सबसे अनोखी जंग। जंग में इस्तेमाल होते हैं वे तो तीर होते हैं या तलवार होते हैं या तबर होता है या नैजा होता है या कुछ लोग ऐसे भी बदसरिश्त लोग होते हैं जो इन हथियारों को छोड़कर पत्थरों से हमला करते हैं। लेकिन तारीख में इस जंग में एक नया हथियार इस्तेमाल किया गया। तारीख में लिखा है कि लकड़ियां जला जला के मुस्लिम पर फेंकी जा रही थी। मेरा आका एक तरफ तलवार से जंग करता था दूसरी तरफ अपने आप को इस आग से बचाता
देख रही थी। बस अजीजों मजलिस तमाम दो रवायतें हैं। एक रवायत तो ये है कि मुजरिम को एक खसपोश गड्ढे में गिरा दिया गया और उसके बाद मुजरिम मुस्लिम को गिरफ्तार करके एक राहवार पर दिखा के लेके चले दारुल इमारा की तरफ। दूसरी रवायत ये है कि नहीं मुस्लिम ने मोहम्मद इब्ने अशद ने बाकायदा इत्मीनान दिलाया कि नहीं हम तुम्हें अमान दिला देंगे और तुम अपने हथियार हथियार रख दो और जंग न करो। बहरहाल जनाब मुस्लिम दारुल इमारा की तरफ चले हैं। रवायत के फिक्रे हैं कि आपका सर झुका हुआ है, आपके दहन मुबारक से खून जारी है, लिबास खून से तर हो चुका है। दारुल इमारा पर पहुंचे, जैसे ही पहुंचे वैसे ही किसी खुशामद खोर ने कहा, ऐ मुस्लिम अमीर को सलाम क्यों नहीं करते। मुस्लिम ने झुकी हुई गर्दन को उठाया और आवाज दी, मेरा अमीर हुसैन के सिवा कोई नहीं है, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। आवाज देता इब्ने ज़ियाद, तुम मुझे चाहे सलाम करो या न करो, मैं तुम्हें खत्म जरूर करूंगा। बस अजीजों बात तमाम हो गई, मजलिस तमाम हो रही है। मुस्लिम को दारुल इमारा की छत पे ले जाया गया, मुस्लिम की गर्दन को काटा गया, मुस्लिम के जिस्म को जमीन में फेंका गया। रवायत कहती है कि मुस्लिम के पैर में रस्सी बांधी गई, मुस्लिम के लाशे को कूफे की गलियों में गिराया गया। अजब नहीं कि जो है मुस्लिम ने हुसैन को आवाज दी, आका आपका सर काटा गया, गुलाम ने अपना सर कटवा दिया, लेकिन आका अगर आपकी लाश पर घोड़े दौड़े तो गुलाम की लाश कूफे की गलियों में फिराई गई। बस अजीजो आखिरी जुमला सुन लीजिए, करबला की जंग हो गई, सैयद सज्जाद कैद हो गए, रिहा कर दिए गए, इमाम मेरा मदीने में आ गया। और जब मदीने में आ गया तो एक दिन एक इंसान मौला से मिलने आता है और जिस वक्त आता है आने के बाद सलाम करता है, मौला के करीब बैठ जाता है, कहता है आका जिस वक्त आप शाह कूफे में कैद होके आए थे उस वक्त मैं भी कूफे के दरबार में मौजूद था, लेकिन आका आप अलवी हैं, आपका चचा भी अलवी था, अगर आप हाशमी हैं तो आपका चचा मुस्लिम भी हाशमी था, लेकिन आका जिस वक्त मेरा आका मुस्लिम आया है कूफे के दरबार में तो सर उठा हुआ था, सीना चौड़ा था, कदम बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से रख रहा था, अलवी जलालत चेहरे से टपक रही थी, लेकिन आका जब आप कूफे में आए तो आपका सर झुका था, आपका सीना सिकुड़ा था, आपके पैर लड़खड़ा रहे थे, आका मुझे क्या थी क्या इंसान रख दिया, मुस्लिम की पुश्त पर न बेटियां थी न बुढ़िया थी, लेकिन मेरे पीछे साइड कर दो जनाबे को खोलो, अली सेल्फी खोलो, सेल्फी